ये रहा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2, जो कि है कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि क्या कर रहा है, कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाता है एक दिन में। कितना बनाता है बताएं, लेट कर ले क्या उसको पहले ही? चलिए पहले लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ टॉयज, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज एक्स। एक्स को टॉयज बना रहा है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, एक एक टॉय बनाने का कॉस्ट दिया हुआ है कितना, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। अच्छा बोल रहा है कि एक भी टॉय, मान लीजिए ये खिलौना है, ये खिलौना है, इस खिलौने को, एक खिलौने को बनाने के लिए कितना खर्चा पड़ता है? तो जितना उस दिन में बनाया गया, उस दिन में जितना भी टॉय बनाया गया, 55 से उसको माइनस कर देंगे। 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज अगर करते हैं तो निकल जाएगा एक को बनाने का कितना खर्चा है। नहीं समझ में आया तो फिर से समझते हैं कि आप हमसे पूछ रहे हैं कि सर ये जो मार्कर है इसको बनाने का खर्चा कितना पड़ रहा है एक मार्कर बनाने का, ठीक है? तो हम तुमसे क्या बोलेंगे, हम तुमसे बोलेंगे कि एक वो मत पूछो, पहले पूछो कितना मार्कर हम एक दिन में बना लेते हैं। तो तुम पूछे कि सर आप एक दिन में कितना मार्कर बना लेते हैं, मान लो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मार्कर बनाते हैं। तो हम बोलेंगे हम एक दिन में 10 मार्कर बनाते हैं, 10 मार्कर। तो तुम खुद ही कैलकुलेट कर लोगे आपकी 55 माइनस नंबर ऑफ मार्कर्स प्रोड्यूस्ड कितना आया, 55 माइनस 10 मतलब कितना आएगा, 45। मतलब एक मार्कर, एक एक मार्कर बनाने का जो कॉस्ट आता है 45 रुपीज़ आता है। अगर हम एक दिन में 20 मार्कर बना रहे हैं तो 55 माइनस 20 करना पड़ेगा, तो आ जाएगा तुम्हारा कितना, 35। इसका मतलब एक एक मार्कर बनाने का 35 रुपीज़ कॉस्ट पड़ रहा है, ठीक है? अगर हम एक दिन में 55 मार्कर्स बना लेते हैं, 55 मार्कर्स, तो एक एक मार्कर बनाने का कॉस्टिंग जीरो पड़ जाएगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं होगा एक दिन में उतना मार्कर हम बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है? तो फिर 55 भी कुछ बढ़ के कुछ और हो जाएगा। तो अभी इस केस में खाली बता दिया क्या कि एक कंपनी टॉयज बनाता है, एक दिन में कितना टॉयज बनाता है पता नहीं, कुछ सर्टन नंबर ऑफ टॉयज बनाता है, उस सर्टन नंबर को हम लोग क्या मान लिए, एक्स पर। एक एक टॉय को बनाने का जो खर्चा आता है, प्राइस आता है, वो कितना है, वो है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन टॉय, या फिर ईच टॉय लिखते हैं ज़्यादा सही रहेगा, ईच टॉय इज इक्वल्स टू कितना, इज इक्वल्स टू रुपीज़, कितना रुपीज़, 55 माइनस जितना टॉय उस दिन बनाया गया, उस दिन कितना टॉय बनाया गया, एक्स, तो इतना रुपीज़। कितना टॉय बनाया गया, एक्स गो टॉय बनाया गया। एक एक टॉय बनाने कितना खर्चा पड़ रहा है, 55 माइनस 6 रुपया पड़ रहा है। अब निकालने क्या पड़ रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, जितना टॉय है सबको बनाने का जो खर्चा पड़ा है वो 750 रुपीज़ पड़ा है। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, उस दिन कितना प्रोडक्शन हुआ होगा टॉय का, ये निकालना है। एक मार्कर, एक पीस मार्कर बनाने का खर्च मान लीजिए 10 रुपया है, तो 5 पीस बनाने में कितना खर्चा होगा, तो 5 इंटू 10 कर देंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट्स क्या कर रहे हैं, 5 क्या है नंबर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड, या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्शंस, और 10 क्या है कॉस्ट ऑफ ईच, कॉस्ट ऑफ ईच, ठीक है? वही करते हैं ना। तो अगर हमको निकालना है ये 750 क्या दिया हुआ, टोटल कॉस्ट, कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट को, तो उस दिन जितना भी मैन्युफैक्चर हुआ है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एक एक का कितना खर्च पड़ा है उससे। तो ऐसे निकालते हैं इसको कि 750 का टोटल कॉस्ट है तो कैसे निकला होगा, तो उस दिन का नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स है कितना उस दिन का, तो एक सी मानेंगे, इनटू क्या करना पड़ेगा, तो एक एक को, इसी एक एक को बनाने का खर्च कितना है, तो एक का बनाने का खर्च है 55 माइनस एक्स, दो का 2 इंटू 55 माइनस एक्स, ऐसे करके होते रहेगा। पर कितना बना है उस दिन, उस दिन एक्स गो बना है, तो एक्स इंटू 55 माइनस एक्स हो जाएगा, तो एक्स तो लिख ही दिए और साथ में क्या करना पड़ेगा, 55 माइनस एक्स करना पड़ेगा। समझ में आ गया इतना चीज़, तो एक्स इंटू 55 माइनस एक्स कितना के बराबर, 750 के बराबर, और इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक आएगा, देखिए कैसे, 750 इक्वल्स टू एक्स इंटू 55 तो हो जाएगा 55x माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 55x और ये प्लस 750 इक्वल टू जीरो, ये हो गया। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आप लोग को इसको सॉल्व करना है। तो
इसको आप लोग सॉल्व खुद से कीजिएगा स्प्लिट द मिडिल टर्म करके, ठीक है, खुद से आप लोगों को सॉल्व करना है इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करके। 750 का आप लोग को एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके आप लोग को तोड़ना है 55 का, दो हिस्सों में बांटना है उसको। कुछ ये बटेगा 25 और 30 में, ऐसा कुछ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750। देख सकते हैं माइनस 25 माइनस 30 कितना आएगा, माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 55 और साइन भी आ जाएगा माइनस का। और एक बार चेक कर लेना 25 और 30 को मल्टीप्लाई करने से 750 आ रहा है कि नहीं। सो ऑब्वियसली आ रहा है, 325 या 75 होता है और एक जीरो है, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ये पार्ट आप लोगों को खुद से करना है। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 25, माइनस 30 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 25। 750 को डिवाइड कीजिए 30 से, 0 कैंसिल, 325 या 75। तो इस टर्म और इस टर्म में भी कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 25, तो फिर से x माइनस 25 कॉमन। क्या बचता है उसको हम लोग लिखते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्रैकेट में, तो यहाँ पे x और माइनस क्या 30 इक्वल टू क्या 0। तो एक आ जाएगा मेरा यहाँ से x इक्वल टू 25 और दूसरा आ जाएगा x इक्वल्स टू 30। मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे या तो 25 होगा या तो 30 होगा, या तो 25 होगा या तो 30 होगा।